हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत कब हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म होगा। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप ओपन माइंड करके देखें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकेंगे। ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैरिट, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेवन ऑफ कप्स, ओके, सेवन चैरिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवन मिनट्स, सेवन डेज, सेवन आवर्स, ओके, कोई है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रहा है। ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके ओके, सेवन एट नाइन, स्टेप बाय स्टेप आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना गाइस, ओके, सब कुछ ठीक जा रहा है। अगेन 14 टेम्परेंस, यहाँ पर 7 7 14, सेवन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे ना कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी, एकदम शांत रहना। हो सकता है बहुत जल्दी आपके पार्टनर का कॉल भी आए, तो वहाँ पर भी आपको शांति बनाकर रखनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, इसी के लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त आपको अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है। ओ ओ, वाटर थेरेपी कौन कर रहा है? आपके हेल्थ में जो भी इश्यूज़ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ओके, अगेन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की, पेज की एनर्जी और स्वर्ड्स की एनर्जी, कप्स, वाओ, आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में जो आप दोनों एक दूसरे को लेकर कन्फ्यूज्ड थे, वो सब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, स्टार अगेन, 17 8 7 9 6 5, सब सारे नंबर्स हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास चैरियट का है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। जितना हो सके अपने आप को कनेक्ट कीजिए उस पर्सन से। देखिए, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को, उस वॉल को, उस नेगेटिविटी को, उस थर्ड पर्सन को हमेशा के लिए निकाल दीजिए। यहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को आप आमने सामने फील कीजिए, दोनों आमने सामने, सारी चीज़ पॉजिटिव है। ओके, वो पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, पूरा फोकस्ड है वो पर्सन, उसे पता है कि उसको किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ना है, किस तरीके से वो आपको मना सकता है, किस तरीके से वो आपके पास आ सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन का ध्यान हट गया था आपके रिलेशनशिप के ऊपर से, आपके ऊपर से नहीं, कहीं से ध्यान नहीं हटा है, उसका ध्यान पूरा आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ ही बढ़ रहा है वो पर्सन। ये रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत जल्दी नहीं लेकिन आपके पार्टनर ने टाइम लगा दिया, लेकिन वो आपके पास ही आएगा। जल्दी आए, वापस चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं, आ रहा है वो, परमानेंट आ रहा है आपका पार्टनर। ओके, सेवन ऑफ कप्स, आपको लगता है मेरे पार्टनर के पास इतने सारे हो तो ऑप्शंस है, फिर आप अपने आप में कमी ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, दुनिया जहान के ऑप्शंस हो, दुनिया जहान की चीज़ हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा। क्यों चूज़ करेगा? वो आपको खुद को पता है कि जो प्यार आपने किया है, जो साथ आपने दिया, वो किसी ने भी नहीं दिया। फाइव ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर के एक तो और आपके भी, पीछे से बात करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, हद भी आगे लोग आपके पीछे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने में कमी नहीं ढूंढनी, आपके पीछे से लोग आपके लिए क्या बात करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रख लेनी है। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने हैं, वो खुद से दूर हो जाएंगे, या फिर आप अपने पार्टनर से जब बात करें तो आप बता दीजिएगा कि इस रिलेशनशिप के बारे में जितना हो सके लोगों के साथ बातचीत नहीं करें, शेयर नहीं करें चीज़ें। जिस पर्सन के साथ आपकी विश थी कि वो पर्सन वापस आए, अचानक से वो प्रकट हो जाएगा, उसका कॉल मैसेज आ जाएगा, अनब्लॉक कर देगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली दिखाई दे रही हैं। जब आप दोनों की बातचीत बंद हुई थी, वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट था, वो पर्सन भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई चीज़ों की, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ। ओके,
यहाँ पे गाइस, जब आपके पार्टनर आपसे अलग हुए थे तो कुछ या तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स की थी, या अब आपके पार्टनर ने और आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी, थर्ड पार्टी थी कुछ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं जाते हुए भी आपको, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की वजह से आपके पार्टनर ने सोचा कि अभी इस रिलेशनशिप को आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जब आपको छोड़ कर गए थे तो भी वो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे जितना आपने सोचा होगा कि किसी और रीज़न की वजह से मुझे छोड़ के चले गया या चली गई। ठीक है, इस वक्त आपको आपके पार्टनर मिस तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, चीज़ों में रिलेशनशिप में सिचुएशन में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। इस वक्त आप देखेंगे आपके पार्टनर की हेल्थ भी ज़्यादा ठीक नहीं होगी। ओके, कुछ अप एंड डाउन चल रहे होंगे आपके पार्टनर की हेल्थ में, लेकिन इस वक्त आपको वो अपने कहते हैं ना, पूरी दुनिया आप में देख रहे हैं, पूरा बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, दुनिया ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि यहाँ पे फाइव मोमेंट्स की एनर्जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली इशूज़ हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे सोसाइटी हो, किसी ऐसी इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, निकाल कर रिलैक्स होना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार तो है ही, साथ में कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी है आप में, आपने कुछ हाइड नहीं करके रखा, कुछ छोटा मोटा कुछ हाइड करके रखा भी होगा तो वो जानते हैं कि कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से आपने ये सारी चीज़ें की उनके साथ में। ओके, यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं उन्हें वो सुकून मिलता है, उनको ऐसा लगता है लाइफ में ये पर्सन मेरे पास हो हमेशा के लिए, तो मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता हूँ, गुजार सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक्त में आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपके साथ हो रहे थे, ऑब्वियस है कोई थर्ड पार्टी थी, तो आप वहाँ पे डाउट कर रहे थे, तो उन्होंने आपको ही यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट इस तरीके का हो सकता है लाइफ टाइम वाला, जो कि आप दोनों के प्यार को बढ़ाएगा, आप दोनों को साथ रखेगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी समय बाद ये आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस समय का वेट कर रहे थे वो आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट की कोई ऐसी बात नहीं करनी है, नेगेटिव कोई क्वेश्चन नहीं करना है। अक्सर ये गलती हो जाती है कि हम अपने पार्टनर से पास्ट की कुछ बातें ऐसे निकाल लेते हैं जिसका जवाब ऑब्वियस आपके सामने तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो जब आपकी तरफ एक्शन लें, बात करें, तो एकदम मन शांत करके अभी से माइंड सेट करके बैठे हैं आप कि आपको क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो उस रिलेशनशिप में, कोई और पर्सन इन दूरियों का या इन गलत फहमियों का फ़ायदा नहीं उठाए। ओके, तो आपको एकदम मैनिफेस्टेशन अपना थोड़ा हाई कर देना है, हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए ऐसी सिचुएशन में कि आपके पार्टनर के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उस सिचुएशन को पॉजिटिविटी में फील करना। ओके, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।